सीए से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीए किसी की नागरिकता नहीं लेती, सीए नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा और शर्मा। लोकसभा चुनाव से पहले ठीक केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सीएए लागू कर दिया है, जिसके बाद से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां एक ओर खुले दिल से इसका स्वागत कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसका पुरजोर से विरोध कर रही है। बताते चले आपको कि कल ही अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को भगाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यह कानून लाया गया है। इसी के साथ साथ इस कानून को लेकर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे और कहते हुए नजर आ रहे थे कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह कानून को क्यों लाया गया। तो वही बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस कानून से किसी को कोई समस्या नहीं होगी। सीएए जो लागू किया गया है यह नागरिकता देती है, ना कि छीनती है, कहते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। इसी के साथ साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर, पहले आपको वो सुने। सीए से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सीए किसी की नागरिकता नहीं लेती, सीए नागरिकता देने वाली है भारतवंशियों को। सीएए कानून को लेकर कहते हुए नजर आ रहे थे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कि यह नागरिकता देती है, ना कि छीनती है। बताते चले आपको कि जब से यह कानून को लागू किया गया है, तब से सियासी हलचल काफी बढ़ गई है, सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है, सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। विपक्ष जहां एक ओर इसका पुरजोर से विरोध कर रही है, तो वही सत्ता पक्ष इसका खुले दिल से स्वागत कर रही है और इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। बताते चले आपको कि सीएए लागू करने के बाद से तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आई। ऐसे में आरजेडी और माले ने पुरजोर से इसका विरोध किया। हालांकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इस कानून का विरोध किया, तो वही सत्ता पक्ष एनडीए इसका खुले दिल से स्वागत कर रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया और कहते हुए नजर आए कि इस कानून से किसी को कोई समस्या नहीं होगी, यह नागरिकता देती है, ना कि छीनती है। इसी के साथ साथ गिरिराज सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।